नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज मेजा से। हिंदू रीति रिवाज को अनदेखा करते हुए मंत्रोच्चार के साथ किया जा रहा पूजन। जहां एक तरफ देखा जाए तो हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ में जूते, चप्पल व चमड़े की बेल्ट को अशुद्ध माना जाता है, वहीं विकासखंड मेजा की ग्राम पंचायत कोहराड़ में गौशाला का शुभारंभ करने पहुंचे जिलाधिकारी संजय खत्री ने वैदिक रीति रिवाज से ब्राह्मण द्वारा किए गए मंत्रोच्चार से गौ माता की पूजन में इतनी उत्सुकता रही कि पैर से जूता निकालना ही भूल गए। जब गौ आश्रम पर जिलाधिकारी पहुंचे तो ब्लॉक के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं डीएम के आने की सूचना पर मेजा थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह भी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद रहे। गौ आश्रम पर उपस्थित गौपालकों से उनके रखरखाव पर देखभाल के संबंध में बात करते हुए गौपालकों से खाने पीने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। गौपालकों ने बताया कि गौ आश्रम में 5 दिन के खाने के लिए 150 क्विंटल भूसे की व्यवस्था उपलब्ध है। इस दौरान गौ आश्रम पर उपस्थित BDO धर्मपाल सिंह, SDM विनोद पांडे, CVO RP राय, सेक्रेटरी संजय शुक्ल, JE कृष्ण मुरारी यादव, ग्राम प्रधान रमेश कुमार, रोजगार सेवक रमेश कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी पवन कुमार व गांव के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।